हुसैन खान वाला के वाक़ थे वो आपकी नजर से गुजरे होंगे नहीं है दर्जनों बच्चे हैं जो उसका शिकार हुए ये ये वहाँ पर तो न एक मखसूस तबका था वो लड़कों को उठाते थे उनकी खंजर उनके पास असला होता था वो लाले दे के वेली में लेके जाते थे और उसके बाद उनको ड्राधुमका के ग पॉइंट पर या खंजर उनके ज्यादा करके वीडियो बनाते थे और वो वीडियो बनाए गए उनको ब्लैक मेल करते थे और उनसे पैसे भी लेते थे, थे उनको तो भी भी बार बार तो ये ये साल हाँ जी और, और वो, ये अभी भी नहीं वो ही भी भी है अभी भी ऐसे ही अभी, अभी, अभी भी है अब तो ना वहाँ पर इतनी सूरत खराब है कि वो सैनखा वाला का वाक है तो वहाँ पर तो कोई ना बैरूनी इलाके से कोई उधर शादी करने को तैयार नहीं है ये एक, एक लेबल बन गया कि, कि वहाँ पर कोई महफूज नहीं है किसी की जगह नहीं महफूज है बच्ची की ना बच्चे की ये सूरत हाल है तो वहाँ पर रोल नहीं है कोई सिविल सोसाइटी का हुकूमत का, का हमारे ये सारे इलेक्टेड लोग बैठे हैं जो पार्लियामेंट में सारी कानून साजी करने के लिए देखें ये जब इस तरह को वाक़त होते हैं तो पार्लियामेंट के जो लोग हैं जाहिर उनकी सारा जिम्मेदारी है उन इस पर जो है ना कानून कानूनसाजी करें उस वक्त स्टैंड कमेटी ने सो लिया जैन बिटी के वाक्य पर तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं भी। लेकिन आप कह रहे हैं अभी भी बहुत तो मतलब वहाँ पर इस पर डिबेट हुई थी ये वाक्य पर भी तो वहां पर ये वहाँ पर यह तजवीज़ दे देगी कि, कि हर आदमी का डी हो और बर्थ पर भी ना यूरोप में अमेरिका में तो बड़ी देर से पच्चीस तीस साल थे ये जब जो भी बर्थ हो रही है उसके कार्ड में उसका डी एन दे दिया जाए और बाकी लोग उसका एक तो ये फायदा होगा कि डी एन ए हर घर हर आदमी का मौजूद है ना तो फौरी वो मुजरम टेस हो जाएगा पकड़ा जाएगा दूसरा है कि अगर डी एन ए नहीं है उसके लिए हमारे सिक्योरिटी इदारों की दौड़ लगी रात दिन मतलब पेट्रोलिंग और टेंशन ये वो हाइप क्रिएट हो जाती है तो जब हर एक आदमी का डी एन ए होगा तो फौरी तौर तो पर वो कैप्चर हो जाएगा अजमेर से पूछते हैं आज, एक, एक दूसरा ये है अभी जो पार्लियामेंट में फैसल फैसल जो है सब सैनिटर और निशान सब मेरे साथ सैनीटर वहाँ पर भी उनके साथ भी यही बात हुई प्रेस कानून में पहले भी मीटिंग हुई एक तो ये सरेआम सजाए मौत के हाले से दूसरा जो जैन ब्लड बिल है इसमें जो है ना सख्त से सख्त सजाओं का जो न, है ना शामिल की जाए और वो भी इस पर मतलब हुकूमती लोग और मेरे साथ और दूसरे मैं अपोजिशन के लोगों भी से भी आज मुलाकात की है अभी इस साहब से भी मिल के आ रहा हूँ इसी सिलसिले में और मशा हसन सी साहब भी मुलाकात हुई है उससे पहले मतलब फर्दन फर्दन ये राहार करने के लिए सख्त साओं का अनफाद और साज पब्लिकली जो हैंगे इसके लिए सब